अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो नए व्लॉग के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। उस्मान ने बहुत जिद लगाई हुई है कि उसको काऊ दिखाएं, काऊ दिखाएं। वैसे तो इलाके की काऊ दिखाते रहे हैं, तो हमने देखी वीडियो के JDC पे जानवर आए बहुत सारे, तो मैंने बोला चलो वहीं लेकर जाता हूँ, बहुत सारे जानवर देख लेंगे इस बहाने। तो बस अभी उसको लेकर जाने के लिए निकल ही रहे हैं, फिर आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। उस्मान को काऊ दिखाने के लिए बहुत शहदाई हो गया है, काऊ का हर वक्त काऊ 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 काऊ। तो मैंने सोचा है कि जो ना यहीं पर करीब पर ही जो है ना JDC पे काफ़ी सारे जानवर आए, तो मैंने बोला चलो उसको वहीं लेकर चलते हैं। चल रहे हैं, इधर आ जाओ, चल रहे हैं, कपड़े चेंज करो फिर चल रहे हैं काऊ देखने। तो फिर इंशाल्लाह वेलकम टू माय YouTube चैनल। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाले नए व्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। ऊपर खड़े हो जाओ, पंखे को पकड़ दो, पंखे को, चलो हाथ छोड़ के पंखे को पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, पकड़ो पंखे को, खड़े हो जाओ, मेरे ऊपर खड़े हो जाओ और पंखे को पकड़ दो। अब नहीं हो रहा, खुद से बोल दिया ना। चलो जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। अब्बू के ऊपर खड़े हो गए, पंखे को हाथ लगा लो, आ जाओ जल्दी से, पंखे अब्बू के ऊपर खड़े हो गए, पंखे को हाथ लगा। जानवर दिखाने के लिए तो हम आ चुके हैं JDC। माशाल्लाह से आवाम का ठीक ठाक रास्ता, जानवर भी बहुत VIP जानवर थे माशाल्लाह से। तो इसी को देखने के लिए हम भी गए हुए थे और बाकी लोग भी आए हुए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं, ऊँटों की भी अच्छी खासी वैरायटी है, बच्चे भी हैं ऊँट के माशाल्लाह से, डबल कान वाला ऊँट भी है। अभी और जानवर आएंगे। उस्मान के तो माशाल्लाह से मज़े लग गए, हाथ लगाना भी है और डर भी लगा ऊँटों से, तो ऊँटों को तो हाथ भी नहीं लगाया, ऊँट के बच्चे को तो फिर भी हाथ लगा देगा। आप देख सकते हैं रश माशाल्लाह, हर जानवर एक से बढ़कर एक जानवर है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको हाथ नहीं लगाना, लगा लियो ये जो है गेनी गायें भी थी यहाँ पर, तो माशाल्लाह से बहुत, इसके पास भी बहुत रश लगा हुआ था, बहुत सारे लोग थे प्यार करने के लिए, लाइन में लगे हुए थे पिक्चर्स खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए। पहले हमने मौका दिया दूसरों को बनाने, जब जगह मिली हमें तो फिर हमने भी उस्मान के साथ हाथ लगवाया उसको, ये लगा लिया उस्मान ने माशाल्लाह से। अब ये ट्रिपल एसोसिएट ने जो दिया है बुल, शायद हम दीदी के हाथ से दिलवाया है, सिब्बी का वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट बुल है, फुट बुल है ये अब तक का माशाल्लाह। बहुत हैवी, हाइट भी अच्छी खासी थी और माशाल्लाह हैवी भी बहुत था माशाल्लाह से। ये दुम्बे वगैरह हैं, 4 सिंग 5 सिंग 6 सिंग वाले दुम्बे। ये आ गया चांद बैल, ये भी ठीक ठाक हैवी जानवर था माशाल्लाह। ये दुम्बा देखिए, सिंग चेक कर सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। ये भी देखने में तो बड़ा ख़तरनाक लग रहा था, लेकिन प्यार व्यार किया हमने, आराम से करवाया, जबकि होते बड़े ख़तरनाक हैं ये बुल, लेकिन ये जो है अभी शरीफ ही बुल था जो। उसके बाद हम आ गए ऑस्ट्रेलियन, देखे माशाल्लाह, ये भी ठीक ठाक हैवी जानवर है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उस्मान प्यार करेगा इसको माशाल्लाह से। इसके सिंग पे जो है डिपॉक्सी लगी हुई है, मैजिक डिपॉक्सी, वो
होल था उसके अंदर लगाई थी उन्होंने, ये उस्मान तैयार कर रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल हिला भी नहीं। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद ये छोटी हाइट के गाय भी है, ये दोबारा उस्मान ने प्यार कर लिया इसको। वो शुरू की जब एंड के चार पांच दिन बचते हैं ना, वो जो बर्फ में साइड और बर्फ के पौधे लगे हैं। अब हम घर जाने की कर रहे हैं तो उस्मान नहीं भाई मुझे तो यहीं रहना है, काओ 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 कर जा रहा है, फिर हम खैर इसको लेकर आ गए घर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। फाइनली हम काऊ दिखाओ उस्मान को वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी माशाल्लाह से काऊ थी। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल करे, हमें भी तौफीक दे कि हम भी कुर्बानी करें, हमारी कुर्बानी को कबूल करे। जो जो लोग इस बार सोच रहे थे कुर्बानी करने का, अल्लाह ताला उन सबको तौफीक दे कि वो कुर्बानी कर सकें, और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमारे रिश्तेदार बनाए कि जो जो लोग सोच रहे हैं कुर्बानी करने का बआसानी कुर्बानी कर सकें, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं अल्लाह ताला बस रहम करे सब पर। तो बस अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिस जिसने नियत की है कुर्बानी करने की, अल्लाह ताला साफ शरीयत से उसकी कुर्बानी करवा दे। और बस हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चल रहे हैं बस, और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे, कराची की हिफाजत करे, हम सब की हिफाजत करे। कल मेरे भाई के साथ भी स्नैचिंग हो गई है, बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला ने करम कर दिया। मोबाइल उसने बाइक की साइड पॉकेट में रखा हुआ था तो मोबाइल बच गया, लेकिन वॉलेट ले गया, उसके अंदर पैसे वैसे थे वो सब निकाल लिए। आगे जाके वॉलेट बोल भी दिया कि आगे जाके फेंक देंगे, तो आगे जाके उसने वॉलेट उठाया घूम घूम के, तो बस पैसे चले गए, अल्लाह ताला ने जान बख्श दी। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमसे जो गलती कोताही हो गई उसे माफ़ फरमाते हुए हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। अपने घर पर बुलाए हमें अपनी फैमिली के साथ, आप लोगों को आप लोगों की फैमिली के साथ, बस यही दुआ है अल्लाह पाक से। हज है अल्लाह ताला सबका हज कबूल फरमाए और हमें भी तौफीक दे के हम भी हज करें और अपने घर की सआदत नसीब फरमाया हमें बुलाकर। चलें फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।